सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे BTSC ड्राइवर भर्ती 2023 को लेके। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है यहाँ पे बिहार के युवा हैं और अगर आप लोग जो है ड्राइवर के पदों पे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है BTSC ड्राइवर भर्ती आ चुकी है। आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से अपना जो है BTSC ऑनलाइन ड्राइवर का फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा theupdatepro.com। जैसे आप लोग फ्रेंड्स इस वेबसाइट को डाल के यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट का इंटरफेस सामने खुल के आ चुका है। कुछ इस तरह का आप लोगों को ये इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को ऊपर यहाँ पर लिंक भी दिख रहा होगा, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं theupdatepro.com। इसको लिख के आप लोग जैसे ही गूगल में सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लिक करते ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को बेल्ट्रॉन जॉब से अपडेट्स मिलेंगे, आप लोगों को यहाँ पे जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में भी जानकारी भी दिया गया है। तो आप लोग चाहे तो इस वेबसाइट की मदद से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग इस वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना और यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि BTSC ड्राइवर न्यू वैकेंसी, BTSC वाहन चालक नई भर्ती। आप लोगों को वाहन चालक के लिए नई भर्ती जो आ चुकी है, इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से देंगे तो उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उस लिंक पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BTSC ड्राइवर न्यू वैकेंसी और इसका डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है 10वीं और 12वीं पास के लिए यहाँ पे BTSC ड्राइवर न्यू वैकेंसी के लिए जो है कुल जो है 145 पदों पे यहाँ पे निकाली गई है। मतलब कि बिहार में कुल यहाँ पे कुल 145 पदों पे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो इसका जो फ्रेंड्स वेबसाइट होगा वो आप लोगों को इसी वेबसाइट के नीचे, आप लोगों को इसी आर्टिकल के नीचे आप लोगों को वेबसाइट आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए आवेदन दे पाएंगे। तो सबसे पहले आवेदन करने से पहले आप लोगों को इसमें जानना है कि आप लोगों का यहाँ पर कौन से आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में ड्राइवर की वैकेंसी के लिए BTSC ड्राइवर रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, कुल यहाँ पे पदों की जो संख्या वो 145 रखी गई है। तो इसके लिए आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाला है, साथ ही साथ आप 10th या 12th पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एज सीमा आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का 18 साल से लेकर 37 साल के एज में आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई की जो तिथि रखी गई वो फ्रेंड्स यहां पे 1 सितंबर 2023 से लेकर आप लोग जो है यहां पे 30 सितंबर 2023 तक आवेदन दे पाएंगे। तो यहां पे आप लोगों का आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि आप लोगों को इनमें किन किन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाला है। इससे ज़्यादा भी आप लोगों को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि आप लोगों का फोटो, सिग्नेचर, ये सब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब वगैरह सब आप लोगों को लगने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करना है तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि BTSC ड्राइवर फॉर्म ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आप लोगों को होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पे जाने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके क्लिक पेज पे एक करना होगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आप लोग अच्छे तरीके से फिलअप कर लेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आप लोग ध्यानपूर्वक उससे चेक कर लेंगे, मांगे गए जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आप लोगों को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिखाई देगा, आप लोग नीचे सबमिट करेंगे और आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके लिए जो भी फी लगेगा या आप लोगों को वो पे करने होंगे, उसके बाद आप लोगों को ये जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के आप सभी जो है यहाँ पे BTSC ड्राइवर न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप लोगों को theupdatepro.com पे आप लोगों को लगातार विजिट करने होंगे, जहाँ से आप लोग जो है यहाँ पे बिहार में जितने भी वैकेंसी जाती है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। तो नीचे में यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।